बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद विकास और ये साथ में मेरा दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला और हम इराक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। और पहला क्वेश्चन के व्हाई वी चूज ईरान फॉर एमडी प्रोग्राम, अब्दुल्ला शायद आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि व्हाई वी चूज ईरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो इसका पहला पॉइंट है कि वो हम के ईरान को एज आ एमडी प्रोग्राम के लिए क्यों चूज़ करते हैं, वो ये है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 99% मुस्लिम रहते हैं और ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, और इसलिए हमें चाहिए पाकिस्तानियों के लिए ईरान इज़ मोर सूटेबल दैन चाइना एंड रशिया एंड सच अदर कंट्रीज़। ऐसा क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम इसका आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं कि हम अब ईरान को क्यों चूज़ करें फॉर एमडी के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पाकिस्तानी जो लोग हैं ये हम थोड़े से गरीब हैं, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और यहाँ के जो स्टडी एक्सपेंडिचर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा तो कम नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्री से अगर हम इसके एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें तो ईरान के एक्सपेंडिचर कम है। अब आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका देखते हैं तीसरा पॉइंट। जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है स्टडी स्टैंडर्ड के हवाले। जैसे कि आप जानते हो किसी भी डिग्री में स्टडी स्टैंडर्ड की वैल्यू बैक बोन जैसी होती है, ठीक है ना। स्टडी स्टैंडर्ड है जो ईरान का ये वाला एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड एज कम्पेयर टू चाइना रशिया एंड सच एज अदर कंट्रीज इज गुड। देखते हैं फोर्थ पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है वो है एक रूल के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी कंट्री में रूल्स जो होते हैं वहाँ के सिटीजन के लिए या वहाँ के रहने वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप यहाँ पे ईरान आते हैं तो आपको इसके रूल्स बहुत सख्ती से फॉलो करने पड़ेंगे। व्यूअर्स, वी डिस्कस अबाउट द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट यूर सेफ्टी। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी बंदे की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो बंदा अगर जिंदा रहेगा तो तभी तो वो अपनी डिग्री पूरी कर सकेगा। और ये बात मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कहकर मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी इशू किसी का भी सामना नहीं करना। डिस्कस अबाउट द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज अबाउट इट्स पीपल्स। जैसा कि आप जानते हैं ईरान के तकरीबन 99% पीपल जो हैं वो यहाँ के मुस्लिम हैं, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कूल हैं, नरम मजाज हैं, सब्र करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश अखलाक हैं, और यकीन माने यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मददगार हैं। अगर किसी को भी मुश्किल में देखते हैं तो वो उसकी मदद करते हैं। जैसा कि हम जब शुरू में ईरान में आए तो तब हमें काफ़ी सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा और यहाँ के लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब हम इसका सहमत पॉइंट डिस्कस करेंगे। सहमत पॉइंट जो है, जैसा कि आपको पता है बंदा जब कोई भी डिग्री करता है तो उसके जहन में बहुत ज़्यादा ख्वाब होते हैं जॉब्स के बारे में कि ये जो मैं जो ये डिग्री कर रहा हूँ मुझे जॉब आया कि मिलेगी भी और नहीं मिलेंगे भी। ये जो यहाँ की जो एमडी की डिग्री है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और यहाँ की गवर्नमेंट भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि आप यहाँ भी जॉब्स कर सकते हैं और पाकिस्तान में भी जॉब्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक ईरान का टेस्ट होता है, वो आप टेस्ट पास करके यहाँ पर भी आप एज अ डॉक्टर सर्व कर सकते हैं, और अपने कंट्री में भी जाके आप PMC का टेस्ट दे के आप एज अ डॉक्टर सर्व। दोस्तों, हम दोनों की तरफ से एक मैसेज है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमने जो आपको इन्फो प्रोवाइड की है वो अगर आपको अच्छी लगी है, आपके लिए एक कारामंद साबित हुई है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छी चीज़ आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आपको खुला आपको हक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ना करें और लाइक भी ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देन आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।